हेलो फ्रेंड, जय माता दी। और हम जा रहे हैं आज पूजा में, तो चलते हैं। और आज है पिन्नी, तो हम खाने चल रहे हैं, जा रहे हैं। और अम्मी, मेरा कुछ काम नहीं हुआ, बस मुझे बनानी थी दाल मखनी, तो आके बनाऊंगी। और चलते हैं, पूजा में जाना है तो चलते हैं। ताला लगा दूं। और यहाँ हो रही थी पिन्निया, और सब लोग जानते होंगे पिन्निया कैसी होती हैं। और 26 जनवरी वाले दिन और बसंत पंचमी वाले दिन हम सारे दिन कीर्तन और भजन में ही रहे, और फिर हुई पिन्निया। तो अब देखो सब मावड़ लगा रहे हैं, मैंने भी लगाया था लेकिन मैं अपनी क्लिप नहीं ले पाई। और फिर हो रहे थे भजन कीर्तन हो रहा था पिन्नियों में, जब तक पूजा स्टार्ट हो रही थी तो एक आध भजन भी गा लिया था सबने। और हो गए था एक दिन पहले, और कीर्तन हुआ है वो भी डाला है मैंने। तो फिर कीर्तन में ही रहा और पिन्नियों में रहा। इन आंटी के यहाँ ही जैसे कीर्तन वगैरह हुआ था, उनके बच्चे का जन्मदिन था, जैसे नाती होते हैं उनका जन्मदिन था, तो उन्होंने दूसरे दिन पिन्निया की थी। और मैं आ गई हूँ अभी, और हमारे यहाँ लेंटर पड़ रहा है किसी का, तो हम घूम के आए अपनी गली में से और कर लेते हैं अब काम। दाल मखनी बनानी है, देखती हूँ अभी वो बॉईल करके रख दी थी, देखती हूँ बना पाती हूँ कि नहीं, कि अब बच्चे तो व्रत वगैरह रहे हैं, देखती हूँ शाम को बना लूंगी, खाएंगे तो। अभी व्रत है तो नहीं बनाऊंगी, देखती हूँ अभी इनसे पूछती हूँ जब बनाऊंगी। पूछ के आती हूँ। और आज है 26 जनवरी बसंत पंचमी, तो इस तरीके से हमारा जैसे 26 जनवरी मनी और पूजा पाठ में गया पूरा दिन। और देखते हैं बना लूं दाल मखनी, पूछूं बच्चों से, मैं तो नहीं खा लिया उस दिन उन्होंने, अभी कहाँ खा लिया, 12 बजे तो दाल मखनी बनाएंगे हम। और फिर मैं आ गई थी दाल मखनी बनाने, और मैं बॉईल करके रख गई थी तो मैंने दाल मखनी बना ली। और देखो मैं प्याज दिखाना भूल गई इसमें, और जीरा और प्याज डाल दी थी मैंने, तो भून रही थी। और बच्चों की फरमाइश थी दाल मखनी, और मेरे बच्चों को दाल मखनी इतनी फेवरेट है, और आजकल के बच्चों को दाल मखनी बहुत ज़्यादा फेवरेट है, हमें इतनी अच्छी नहीं लगती, लेकिन बच्चों के लिए सब कुछ करना पड़ता है। और देखो आज मैंने ना
दाल मखनी में हल्दी डाल दी, वैसे बनाते भी नहीं है लेकिन डाल दी थी, मुझे ध्यान ही नहीं रहा, नहीं डालते, थोड़ी सी डालते हैं, ज़्यादा नहीं, लेकिन आज मैंने खूब भर के डाल दी है, तो कई बार गलतियाँ हो जाती हैं। और फिर मैंने प्याज को देखो भूनूंगी अच्छे से, और मैं अपने हस्बैंड से बात करती जा रही हूँ, तो माँ ड्राइंग रूम में ही बैठी हैं, फिर मैंने म्यूट कर दी थी आवाज़। फिर मैंने अपनी प्याज अच्छे से भूनी थी, और अच्छे से भुनेगी तभी अच्छी बनती है। फिर डाल दी थी लाल मिर्च, और इसमें प्याज जैसे टमाटर में मैंने हरी मिर्च और अदरक पीस लिया था, तो पहले प्याज को अच्छे से भूनूंगी, और फिर मैं टमाटर पीस लिए थे, तो टमाटर फिर मैं अलग से डाल दूंगी। तो ये मैंने आपके मिक्स करके नहीं पीसे, जैसे प्याज और टमाटर मैं ज़्यादातर पीसती हूँ, लेकिन आज मैंने जो थोड़ा सा अलग सा कर दिया है, तो अब मैं अच्छे से भूने दूंगी टमाटर, खूब अच्छे से हो जाएं, और मैं बसंगी संग बात करती जा रही हूँ। तो सही, आपके बहुत अच्छा लगा। और जैसे मेरा मसाला हो गया था, तेल छोड़ने लगा था, तो फिर मैंने मलाई डाल दी थी, फिर और थोड़ा भुनने दूंगी इसे, और मलाई मैं इसी में रखती हूँ, तो मलाई को खूब अच्छे से फेंट दूंगी क्योंकि फटे ना, और इसमें मैंने नमक भी डाल दिया है साथ के साथ, तो वो हो जाएगा। और मैंने दाल मखनी को भी जैसे नमक था उसमें डाल दिया था दाल मखनी में, और बॉईल करे थे जब मैंने, थोड़े खड़े मसाले डाल दिए थे, लौंग और छोटी इलायची, क्योंकि मेरे पास इससे ज़्यादा कोई मसाला नहीं था, तो फिर मैंने डाल दिया। और देखो मेरी दाल खूब सारी बनी थी, पले घर भी चली गई थी, और नीतू के दोनों के चली गई थी, मेरी देवरानी के, तो बन गई थी, अच्छे से बन गई थी दाल, तो बहुत ज़्यादा बन गई, और अच्छी भी लगती है, बच्चों को ज़्यादा फेवरेट है बच्चों की, तो बच्चे आ तो नहीं पाए थे। और देखो दूध डाल दूँगी, दूध से ना क्रीमीनेस आ जाता है दाल में, और दाल ऐसे ही अच्छी लगती है, और नमक मैंने डाल दिया था, तो देखो कितनी अच्छी लग रही है दाल मेरी। और फिर ऊपर से डालूंगी मक्खन, तो मक्खन से तो और ज़्यादा टेस्ट आ जाएगा, और मक्खन मेरा घर का है, बाजार का नहीं है, तो मैंने घर का निकाला था तो वो डाल दिया था, और अब मैं मक्खन ही डालूंगी। देखो मक्खन वाइट वाइट बड़ा अच्छा है मक्खन मेरा, तो अभी रखा है वो मक्खन, तो फिर मैंने मक्खन डाल दिया था, और मक्खन से और घी से ही टेस्ट आता है, मैंने घी तो नहीं, मक्खन था मेरे पास तो मक्खन डाल दिया था, और बहुत अच्छा, बहुत अच्छी दाल बनी थी। मुस्कान भी, मुस्कान को तो बहुत अच्छी लगी थी, और दे देती हूँ मैं अपने हस्बैंड को, और मलाई डाल के, और देखो बिगड़ चुपड़ी रोटियाँ हैं, रोटियाँ ही बनाई थी, फिर बच्चे नहीं आए तो फिर मैंने और कुछ बनाया नहीं, प्याज और फोटो खींच रही हूँ मैं अपने उसके लिए, तो दे देती हूँ इनको। और ब्लाउज नहीं था इसका, तो ब्लैक कलर का ब्लाउज पहना है साड़ी का। और किस इस तरीके से मेरा 26 जनवरी, और अब मैं खाऊंगी खाना, 2:15 बज गया, और देखो मुझे प्रसाद में मिला था ये चूड़ी और ये, और मुस्कान पढ़ा रही हैं अंदर, तो फिर मैं अंदर नहीं, क्योंकि बच्चे को पढ़ा रही हैं, किसी को ऑनलाइन पढ़ा रही हैं, तो इस वजह से मैं बाहर आ गई, और मैं वीडियो को एंड करूँगी। और अब के 26 जनवरी हमारी ऐसी बनी, पूजा पाठ से स्टार्ट हुआ हमारा, तो बहुत अच्छी बनी, और आज बसंत पंचमी भी है, हैप्पी बसंत पंचमी, और 26 जनवरी की ढेर सारी बधाई आप सभी लोगों को। और दाल मखनी बनाई है मैंने बच्चों के लिए, और हस्बैंड मेरे खा गए हैं, तो बच्चे अभी पले घर गए हैं, हमारी गली में पड़ रहा है लेंटर, तो बच्चे आज वहाँ पर पैक हो गए नहीं आ पा रहे, इस वजह से अब मैं थोड़ी देर में बनाऊंगी उनके लिए खाना, आने वाले होंगे, तो फिर मैं वीडियो का एंड करूंगी। जय माता दी।